ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे एक शॉर्टलिस्टिंग प्रोसीजर या गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करूँगा जिसके थ्रू वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज़ के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, और अकॉर्डिंगली ये जो गाइडलाइंस है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपने करियर को प्लान करने के लिए कि आपको किस तरीके से आगे क्या क्या क्वालिफिकेशंस लेनी है और किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग गाइडलाइंस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। उसके अलावा आप चाहें तो MD यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं, कुछ साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं। तो मोस्टली जो भी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन के लिए जो भी गाइडलाइंस हैं दे हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं, मैं एक गाइडलाइंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन को लिया है, और इस गाइडलाइंस से आपको बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइंस क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, दिस इज़ अ दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है। आप DU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है DU.ac.in पर आप जाएंगे और वहाँ पर इन द करियर सेक्शन आपको ये गाइडलाइंस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी एकेडमिक रिकॉर्ड की गाइडलाइंस दी है कि अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और कुछ मार्क्स आप स्कोर करते हैं, स्पेसिफाइड मार्क्स आप स्कोर करते हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि ये जो सभी मार्क्स हैं ये बेसिकली एक 100 मार्किंग सिस्टम है, जिस तरह से आप अपने कॉलेज के अंदर 50% या 60% मार्किंग सिस्टम लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये आपकी जो मार्किंग सिस्टम है ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर मार्किंग सिस्टम है। तो टोटल 100 मार्क्स यहाँ पर रहते हैं, जिसमें आपकी 80% जो वेटेज है वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को दिया जाता है, 10% वेटेज आपके रिसर्च एक्सपीरियंस को दिया जाता है, और 10% जो वेटेज है आपके टीचिंग एक्सपीरियंस को दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग टोटल मार्किंग सिस्टम यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। तो चलिए इस मार्किंग सिस्टम को सबसे पहले समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो है यहाँ पर आपका है ग्रेजुएशन। जैसे कि हम बीटेक करते हैं, बीटेक इज़ कंसिडर्ड एज ए ग्रेजुएशन, एमटेक इज़ कंसिडर्ड एज ए पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आपने बीटेक किया है, बीटेक में आपके 80% अबव है, यानी कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% अबव है तो उसके लिए आपको 15 मार्क्स अलोकेट किए जाएंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 60 से लेकर 80% है तो उसके लिए आपको 13 मार्क्स अलोकेट किए जाएंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 55 से लेकर 60% तक आपने स्कोर किया है तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स अलोकेट किए जाएंगे। और अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में 45 से लेकर 55 मार्क्स आपने स्कोर किए हैं तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स अलोकेट किए जाएंगे। जैसे कि मेरी ग्रेजुएशन यानी कि मेरी बीटेक में मैंने 65% स्कोर किया है तो मैं 13 मार्क्स की कैटेगरी में आता हूँ, तो मुझे मेरी ग्रेजुएशन के लिए 13 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद आता है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमटेक, एमसीए, एमएससी एंड सो ऑन। तो अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 80% से ज़्यादा स्कोर किया है तो यानी कि आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने 60 से लेकर 80 मार्क्स तक स्कोर किया है तो यानी कि आपको 23 मार्क्स दिए जाएंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप 55 से लेकर 60 मार्क्स की कैटेगरी में हैं तो आपको 20 मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। अभी जो लास्ट कैटेगरी है 55 से लेकर 60, ये बेसिकली रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा कह सकते हैं इसको, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ उन्हीं के लिए ज़्यादा उनको रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट है या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए जो लास्ट कैटेगरी है तो वहाँ पर उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। अब लेट अस अज्यूम कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में 78% है तो यानी कि मुझे 23 मार्क्स की कैटेगरी में आता है। सो मेरी बीटेक में 65% 13 मार्क्स, एमटेक में आई हैव सिक्योर्ड 78% दैट मीन्स 23 मार्क्स, तो टोटल हो गए आपके पास ये 36 मार्क्स। उसके बाद बिकॉज आई हैव डन PhD तो PhD के लिए मुझे 30 मार्क्स ऐड किए जाएंगे, तो टोटल आपके पास हो जाएगा ये 36 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 66 मार्क्स। स्टिल आप देख सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD को मिलाकर भी आपके टोटल 75 मार्क्स नहीं बन रहे। तो अभी 75 मार्क्स कैसे बनेंगे? तो अगर आपने UGC नेट को क्वालिफाई किया है विद JRF तो आपको 7 मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। अगर आपने UGC नेट को क्वालिफाई किया है लेकिन JRF क्वालिफाई नहीं किया लेकिन नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्वालिफाई किया है तो उसके 5 मार्क्स आपको एलोकेट किए जाएंगे। तो सो इफ़ आई हैव क्वालिफाइड नेट विद JRF दैट मीन्स 7 मार्क्स विल बी एलोकेटेड टू मी, तो आपके पास हो जाएंगे 66 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 73 मार्क्स। अब इससे आप देख सकते हैं कि UGC नेट की जो इम्पॉर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा बन जाती है। अगर आपने UGC नेट क्वालिफाई नहीं किया तो ये जो मार्क्स है आपको ये एलोकेट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद बिकॉज
आई हैव डन PhD, तो PhD के अंदर कुछ रिसर्च पेपर्स लिखना होता है, दैट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। आपको M.Tech में भी कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है, दैट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। तो अगर आपने कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस किए हैं, तो लेट अस अज्यूम मैंने 10 इंटरनेशनल जर्नल्स में आई हैव डन सम पब्लिकेशंस, 6-7 पब्लिकेशंस हैं, तो उसमें से मेरे सिर्फ 5 पब्लिकेशंस ही काउंट होंगे, तो हर एक पब्लिकेशन का मुझे 2 मार्क्स मैक्सिमम दिया जाएगा। तो मेरे पास जो इंटरनेशनल जर्नल्स में जो पब्लिकेशंस हैं, तो टोटल मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स मुझे वहाँ से अलोकेट होंगे, तो मेरे पास हो जाता है नेट विद JRF की वजह से आई हैव सिक्योर्ड 83 मार्क्स, और उसके बाद 10 रिसर्च पब्लिकेशंस से मुझे कुछ मार्क्स अलोकेट होंगे, सॉरी नेट विद JRF से मुझे 73 मार्क्स मिलते हैं, तो रिसर्च पब्लिकेशन से मेरे पास 10 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास हो जाएंगे 83 मार्क्स। अब मेरे पास जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो हर एक साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मुझे 2 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि अगर मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो 4 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो जो हमारे पास हो जाएगा 8 मार्क्स, तो आपके पास हो जाता है 83 + 8 विच इज़ इक्वल टू 89 मार्क्स। तो इस तरीके से मैंने कुछ मार्क्स को स्कोर किया। उसके अलावा अगर मुझे कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर, तो इन तीनों लेवल के मार्क्स के अवार्ड्स के मेरे पास कुछ मार्क्स हैं। जैसे कि अगर मुझे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ मार्क्स दिए, कुछ अवार्ड मिले हैं, तो उसके मुझे 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर मुझे स्टेट लेवल पर कुछ मार्क्स, कुछ अवार्ड मिला है, तो उसके मुझे 2 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर मुझे नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट तीनों पर कुछ अवार्ड मिला है, तब भी मेरे पास ऐसा नहीं होगा कि तीनों को अलग अलग मार्क्स ऐड होंगे। नेशनल प्लस इंटरनेशनल प्लस स्टेट, इन तीनों के लिए मैक्सिमम मुझे सिर्फ 3 मार्क्स ही एलोकेट किए जा सकते हैं। तो यानी कि मेरे हो जाएंगे 89 + 3 विच इज़ इक्वल टू 92 मार्क्स। तो अभी जो 92 मार्क्स हैं, दिस इज़ मोर देन 75। अगर ये 75 से ज़्यादा है, इट मीन्स आई एम एलिजिबल टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, यानी कि मुझे स्क्रीनिंग प्रोसीजर, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है, मैंने उसको क्वालिफाई किया, अब इसके बाद वो मुझे इंटरव्यू के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? देखिए, इमेजिन करो कि आपके पास एक वैकेंसी थी और एक वैकेंसी के लिए आपके पास 10,000 एप्लीकेशंस आई। उन सभी 10,000 एप्लीकेशंस में से मेरे पास 1,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ये सभी क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करके, यानी कि जिन्होंने मोर देन 75 मार्क्स को स्कोर किया। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं जिनके 98 मार्क्स बन रहे हैं, किसी के 95 मार्क्स बन रहे हैं, किसी के 83 बन रहे हैं, किसी के 75 मार्क्स बन रहे हैं, तो कैंडिडेट्स के अलग अलग मार्क्स बनते हैं। अब वो क्या करेंगे, उन सभी कैंडिडेट्स को सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स, और उसके अकॉर्डिंग वो मेरिट बनाएंगे। अब मेरिट बनाने के बाद उन सभी 1,000 कैंडिडेट में से जो टॉप 30 कैंडिडेट्स थे, उनको इन्वाइट किया जाएगा इंटरव्यूज़ के लिए, और फिर उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे, और उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होने के बाद उनको सेलेक्ट किया जाएगा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसीजर। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपने MPhil किया है, तो आपको पता है कि MPhil के 7 मार्क्स हैं, PhD के 30 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को मिला के आपको 37 मार्क्स दिए जाएंगे। आपने MPhil और PhD अगर दोनों किया है, तब भी मैक्सिमम आपको 30 मार्क्स ही एलोकेट किए जाएंगे। अगर आपने नेट असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई किया है और नेट JRF भी क्वालिफाई किया है, तो दोनों के अलग अलग मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। उस केस में आपको सिर्फ टोटल ऑफ 7 मार्क्स ही एलोकेट किए जाएंगे। अवार्ड्स की कैटेगरी में आपको मैक्सिमम ऑफ 3 मार्क्स ही एलोकेट किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी आपका अकेडमिक स्कोर है, 80% of the weightage is given to your academic score, 10% of the weightage is given to your research publications, and 10% of the weightage is given to your teaching experience. तो इस तरीके से आपके total 100 marks यहाँ पर बनते हैं, और on the basis of this 100 marks, you will be shortlisted for interviews. तो ये जो एक जो क्राइटेरिया था shortlisting का, स्क्रीनिंग प्रोसीजर, ये Delhi University का क्राइटेरिया था। उसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ अलग प्रोसीजर को भी ऐड किया गया है, जैसे कि आपको वीडियो लेक्चर्स बनाने का कितना एक्सपीरियंस है, या फिर आपको मॉक टीचिंग जो है उसमें कितना एक्सपीरियंस है। उस तरीके से उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज़ को ऐड किया है, अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू स्क्रीन द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यूज़ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। दिस इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर। नाउ अब इस पूरे सिनेरियो से आप देख सकते हैं कि ये नेट और JRF कितना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज उसके लिए स्पेशली 7 मार्क्स अलोकेट किए गए हैं। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि नेट और JRF कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में लेना है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, बिकॉज विदाउट नेट एंड JRF आप असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट जॉब ईजिली नहीं ले पाएंगे। अब हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट्स हैं इस साल भी, जो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं हमारे नेट और JRF क्वालिफाई किया है। जैसे कि UGC नेट कंप्यूटर साइंस के अंदर टोटल 52,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, उसमें से 42,000 कैंडिडेट्स ने इस बार एग्ज़ाम को क्लियर अपीयर किया है, और जो 42,000 कैंडिडेट्स हैं उसमें जो टॉप 6% कैंडिडेट्स हैं, दे आर सेलेक्टेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड हार्डली टॉप 1% कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फॉर JRF अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज।
Now, the maximum number of candidates who qualified AP as well as JRF, they are from Digimento Education. So we have seen the result and we are very proud to say that we are giving the best result in UGCNET JRF. Whether it is offline coaching or online, आप offline और online कुछ भी आप जा सकते हैं. Maximum number of जो selections हैं online या offline में वो सिर्फ Digimento Education के पास ही हैं and we have done the best in this field. Now, अभी future के अंदर जिस तरह से ये एक selection procedure की guidelines थी उस तरीके से काफ़ी universities की assistant professor की जो notifications निकलती हैं we are लिंकिंग अ पेज ऑन द कमेंट सेक्शन. अब यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पेज का लिंक आप देख सकते हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन निकलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो भी नोटिफिकेशन निकलेगी तो उसकी जो सभी अपडेट्स हैं हम अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे. तो आप हमारी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, उस पेज को बुकमार्क कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन मिलती रहे. उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट द लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. और यानी कि या फिर कोई भी जॉब की जॉब आती है जैसे PGT कंप्यूटर साइंस है या फिर TGT है या फिर आपकी जो भी टीचिंग वैकेंसीज आती हैं स्पेसिफिक उनके लिए वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव कि हम लोग सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करें, अपडेट करें कि कहाँ पर जॉब वैकेंसी निकलती हैं और वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसको अपने फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें, अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पर ज़रूर डालें बिकॉज ये जो नोटिफिकेशन है बाकी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी और ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा उसका बेनिफिट ज़रूर होगा. तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.